आज हम सीखने वाले हैं कि हेडिंग टैग क्या होते हैं और आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग टैग को। जी हाँ, यहाँ पर हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक होते हैं और कैसे आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हेडिंग टैग का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को अच्छा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले आता हूँ और उसके बाद आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रखा है, आपको भी ओपन कर लेना है। जैसे ही आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है HTML। तो मैं यहाँ पर HTML टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, या फिर आप अपने हिसाब से भी HTML टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ एक बार। आप इस फाइल को HTML के द्वारा सेव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना एक टैग ले लेता हूँ HTML और मैं इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ मुझे आ जाता है। तो देखिए, टाइटल का आपको पता होगा कि टाइटल में क्या लिखा जाता है। टाइटल में जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं जैसे कि लिख देता हूँ हेडिंग टैग, लिख दिया। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो हमने PK नाम की फाइल की थी उसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग टैग मैंने नाम दिया तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग टैग आ गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि H1 से लेकर H6 तक कैसे यूज़ हो सकता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे, जो भी अब मैटर लिखना है वो हमें बॉडी में लिखना है। तो बॉडी में लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ, सबसे पहले H1। तो मैं यहाँ पर H1 ले रहा हूँ, तो आप चाहें तो H6 से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ माई नेम इज गौरव। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया माई नेम इज गौरव और मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा दिखते आते कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आ रहा है माई नेम इज गौरव। तो जैसे ही यहाँ पर आपको काफ़ी बोल्ड तरीके से नज़र आ रहा होगा, उसी के साथ साथ अगर मैं इस कंटेंट को एक बार कॉपी कर लेता हूं और फिर मैं H2 में अप्लाई करता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर H2 में अप्लाई करता हूं, मैं यहां पर Ctrl+S इस तरीके से। तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो चुका है। तो मैं इसी तरीके से सभी के सभी कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पर H3 को भी अप्लाई कर लेता हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मैं इस कंटेंट को सीधा कॉपी कर लेता हूँ सभी के सभी, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सीरीज चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर H1 है तो मैं यहाँ पर H4 कर देता हूँ, उसके बाद H5 और H6। जब भी आप कोई हेडिंग टैग लगा रहे हो तो उसको क्लोज भी साथ साथ कर देना है। जैसे कि आपको स्लैश लगा रखा है मैंने, उसी तरीके से आपको यहाँ पर स्लैश लगा क्लोज कर देना है। तो मैं यहाँ पर लगभग 6 को अप्लाई कर चुका हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद जैसे कि मैंने 2 आपको अप्लाई करके दिखाए थे, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एकदम छोटे से छोटा नज़र।